वहीं पाकिस्तान से लगी भारतीय सीमा पर निगरानी को बढ़ाने में मददगार हर्मिस 900 स्टाइलाइनर ड्रोन 18 मई को हैदराबाद में भारतीय सेना को मिलेगा। ये सेना को मिलने वाला पहला ड्रोन है। हालांकि सबसे पहला हर्मिस 900 जनवरी में भारतीय नौसेना को सौंपा गया था और दूसरा ड्रोन सेना ले जा रही है। भारतीय सेना अपने बठिंडा बेस पर दृष्टि 10 ड्रोन को तैनात करेगी, जहां से वो पाकिस्तान के साथ पूर्वी पश्चिमी सीमा पर नजर रख सकेगी। इसके बाद तीसरा ड्रोन नौसेना और चौथा सेना को दिया जाएगा। भारतीय सेना के पास पहले से ही हेरॉन मार्क 1 और मार्क 2 ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन मेक इन इंडिया के तहत सेना ने दृष्टि 10 या हर्मिस 900 ड्रोन के लिए ऑर्डर भी दिए हैं। साथ समुद्री सीमा पर नजर रखने के लिए पोरबंदर में तैनात करने जा रहे हैं। इसमें 30 घंटे से ज्यादा उड़ान भरने और एक बार में 2000 किलोमीटर दूरी तय करने की क्षमता है। भारत के अलावा ये ड्रोन चिली, कनाडा, अजरबैजान, मेक्सिको, ब्राजील, कोलंबिया, फिलीपींस और स्विट्जरलैंड के पास भी है। इसके अलावा आर्मी एविएशन कोर चीन पाकिस्तान बॉर्डर पर नई एविएशन ब्रिगेड भी तैनात करने वाली है।